महा कार्टून टीवी। ठंडा जिस्म, शिखा काम के सिलसिले में मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हुई थी। कंपनी की तरफ से उसे एक बंगलो में ठहराया गया था। रात काफी हो चुकी थी और बारिश भी बहुत तेज हो रही थी, जिसके चलते शिखा ने सो जाना ही ठीक समझा। रात के 2 बज गए थे और घड़ी की टिक टिक के अलावा उसके कमरे में कुछ और नहीं सुनाई दे रहा था। तभी शिखा की आंख अचानक से खुली। हाँ, कितना वाहियात सपना था, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे सपने आते हैं। चलो नींद खुल गई है तो क्यों ना कुछ खा लूं। एक खराब सपने की वजह से शिखा की आंख खुल गई थी। उसे अक्सर ऐसे ही सपने आया करते थे, लेकिन आज तक उसे उन सपनों की वजह पता नहीं चली थी। शिखा किचन तक पहुंची और कुछ खाने के लिए ढूंढने लगी। तभी उसे अपने पीछे से किसी के होने का एहसास हुआ। शिखा ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सांसें एकदम अटक गई। उसने देखा कि उसकी नौकरानी लालटेन पकड़े उसे एक टक देखी जा रही है। हे भगवान, ऐसे कौन करता है सुनीता, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। शिखा को अपनी नौकरानी का ये व्यवहार बहुत अटपटा लगा, लेकिन बात को अनदेखा करते हुए उसने सुनीता से कुछ खाने के लिए मांगा और अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। थोड़ी देर में सुनीता खाना लेकर शिखा के कमरे में आ गई। तभी किसी ने बेल बजाई। इस वक्त कौन हो सकता है, देखना जरा सुनीता। सुनीता सीढ़ियों से नीचे दरवाजे तक पहुंची, फिर उसने दरवाजा खोला। हाय, आई एम प्रणव। एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई है और बारिश भी बहुत तेज हो रही है, क्या आज रात के लिए मैं यहाँ रुक सकता हूँ? सुनीता ने ये बात सुनकर लड़के को अंदर आने से मना कर दिया। लड़का सुनीता से अंदर आने की रिक्वेस्ट करने लगा, लेकिन सुनीता उसकी एक नहीं मान रही थी। शिखा को नीचे से शोर की आवाज आने लगी। खाना छोड़ शिखा नीचे गई। दरवाजे पर पहुंचकर उसने प्रणव को पूरी तरह से भीगा हुआ देखा, साथ ही बाहर उसकी खराब गाड़ी को भी खड़ा पाया। सब कुछ समझकर शिखा ने कहा, सुनीता एक रात की ही तो बात है, इन्हें अंदर आने दो। ये सब सुनकर प्रणव बहुत खुश हुआ। फिर उसने कहा, हे आई एम प्रणव, थैंक यू यार मुझ पर इतना बड़ा एहसान करने के लिए, वरना पता नहीं इस बारिश में मेरा क्या हाल होता। प्रणव की आवाज और उसके बोलने के तरीके से शिखा मोहित हो गई और उसे एक छोटी सी मुस्कान देकर सुनीता को उसे कमरा दिखाने को बोला। सुनीता को शिखा की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वो मन मारते हुए प्रणव को कमरा दिखाने चली गई। रात अब और गहरी हो चुकी थी। पूरे बंगले में एक अजीब सा सन्नाटा छा चुका था। शिखा की भी आंख लग चुकी थी। बंगले के चारों ओर सनसनाती हवा माहौल को डरावना कर रही थी। वहीं चैन से सो रही शिखा को एहसास हुआ कि कोई उसके ऊपर बैठा हुआ है। जैसे ही शिखा ने अपनी आधी आंख खोली तो उसकी आवाज हलक में ही अटक गई। शिखा ने देखा एक गला हुआ शरीर जिसके हाथ और गर्दन नीचे की तरफ लटके हुए हैं और चेहरा बाल से ढका हुआ है,
वो बड़ी ही अजीब तरीके से शिखा को छूने की कोशिश कर रहा है। ये सब देख शिखा की हालत बहुत खराब होने लगी और वो जोर से चिल्लाई और उसकी नींद खुल गई। नहीं, ये एक रात में दो बार सपने दिखना मेरे साथ पहली बार हुआ है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? चैन की नींद भी नहीं ले पाती। दरवाजे पर एक आहट हुई। शिखा अपने कमरे का दरवाजा खोलने के लिए उठी। दरवाजा खोलने पर शिखा ने देखा कि प्रणव वहां खड़ा हुआ है। आप ठीक तो है ना? वो एक्चुअली मैंने अपने कमरे में आपके चिल्लाने की आवाज सुनी। हाँ ठीक हूँ। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं थोड़ी देर आपसे बात कर सकता हूँ? एक्चुअली मुझे नींद नहीं आ रही। ये जगह मेरे लिए नई है ना। चलो ठीक है। शिखा और प्रणव एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान थे, लेकिन फिर भी दोनों ने एक साथ समय बिताने का सोचा। दोनों बात करने लगे और काफी देर तक दोनों में एक दूसरे के काम को लेकर काफी अच्छी खासी बातें होने लगी। प्रणव की बात सुनकर शिखा उसकी ओर आकर्षित होने लगी। प्रणव को भी शिखा का शांत स्वभाव काफी अच्छा लग रहा था। तभी शिखा ने खुद को दिख रहे सपनों के बारे में प्रणव को बताया, जिसे सुनकर उसने कहा, लगता है आपकी कोई पुरानी इच्छा अभी भी अधूरी है। शिखा को बात समझ नहीं आई और वो हंस पड़ी। चलो आप हंसी तो, मैं काफी देर से इसी का इंतजार कर रहा था। शिखा और प्रणव कब एक दूसरे के नजदीक आ गए, दोनों को इस बात का पता ही नहीं चला। दोनों एक दूसरे के आगोश में खो गए। रात के 3 बज चुके थे और शिखा की आंख लग गई। उसे महसूस हुआ कि प्रणव उसके बालों को सहला रहा है। शिखा को अच्छा लग रहा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। उसने अपनी आंख खोली और खौफ से उसके पूरे शरीर को मानो जैसे लकवा ही मार गया हो। उसके सपने में दिखने वाला वो लालची शरीर उसके ऊपर था और वो शिखा की आंखों से आंखें मिलाकर उसे एक मुस्कान के साथ देखे जा रहा था। शिखा की आवाज नहीं निकल पा रही थी। पूरी ताकत लगाकर उसने टूटी फूटी आवाज में बोला, कौन हो तुम? मैंने कहा था ना कि तुम्हारी कोई इच्छा अधूरी रह गई है। प्रणव, मैं याद नहीं तुम्हें? पिछले 25 साल से मैं तुम्हारा यही इंतजार कर रहा हूँ। शिखा, जब एक साथ बिताई गई उस अधूरी रात को तुम दोबारा मिलने का वादा कर गई थी पर लौट कर नहीं आई, बस तब से ही मैं तुम्हें अपना बनाने की राह तक रहा हूँ। मेरे ठंडे पड़े इस जिस्म को आज तुम्हारी वजह से सुकून मिला है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।